हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 31 मार्च के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डे। 31 मार्च को होता है आईफिल टावर डे। आईफिल टावर कहाँ पे है? फ्रांस के अंदर है। आईफिल टावर कहाँ पे है? फ्रांस में है, राइट। तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल चलो एक बार देख लेना। 31 मार्च को होता है आईफिल टावर डे, क्योंकि इसी दिन 31 मार्च 1889 के अंदर जो आईफिल टावर था, इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का पहला क्वेश्चन है, एबल प्राइज इज गिवन इन विच फील्ड। एबल प्राइज, जैसे नोबल प्राइज होता है ना, वैसे ही एबल प्राइज होता है। नोबल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है? नोबल प्राइज 6 फील्ड में दिया जाता है, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स नहीं आता। तो जो एबल प्राइज है वो मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। इसको एक तरह का नोबल प्राइज ही है, बट नोबल प्राइज जो है वो क्या है, वो मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता। तो एबल प्राइज जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में दिया जाता है, राइट। तो नोबल प्राइज कौन से 6 फील्ड में दिया जाता है? तो नोबल प्राइज दिया जाता है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री में, मेडिसिन के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, पीस के फील्ड में और इकोनॉमिक साइंसेस के फील्ड में, राइट। इकोनॉमिक साइंसेस जो था ये बाद में 1968 में ऐड किया गया था। जो पहले के 5 फील्ड्स हैं ये कब से शुरू हुए थे? 1901 से, राइट। एबल, नोबल। एबल प्राइज मैथमेटिक्स के लिए है, नोबल प्राइज बाकी के 6 फील्ड्स के लिए है, राइट। अब जो एबल प्राइज है इसको कौन ये प्रेजेंट करता है? एबल प्राइज अवार्ड किया जाता है बाय नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। एबल प्राइज नॉर्वे की एकेडमी है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, जो कि एबल प्राइज देती है। और इस साल जो एबल प्राइज है वो किसको दिया गया है? इम्पॉर्टेंट है, नाम भी याद रखना है। तो इस साल का जो एबल प्राइज है वो दिया गया है मिशेल टेलीग्रांड। मिशेल टेलीग्रांड, नाम इम्पॉर्टेंट है। एबल प्राइज मैथमेटिक्स के फील्ड में होता है, कौन देता है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। किसको मिला है? माइकल टेलीग्रांड को, राइट। किसको मिला है? माइकल टेलीग्रांड को, ऑफ फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च पैरिस। फ्रांस अवार्डेड एबल प्राइज 2024 फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रॉबेबिलिटी थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस। किसके लिए मिला है? प्रॉबेबिलिटी थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस के लिए, बट नाम इम्पॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें एक बार देख लेना। माइकल टेलीग्रांड को मिला है। अब ये जो एबल प्राइज है इसका नाम रखा गया था फेमस मैथमेटिशियन नील्स हेनरिक एबल के नाम से, नील्स हेनरिक एबल के नाम से, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल बहादुर नॉवल। फूल बहादुर नॉवल रिसेंटली ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश, वट इज़ द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ दिस नॉवल। फूल बहादुर नॉवल जो है उसको रिसेंटली इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो ओरिजिनल उसकी लैंग्वेज क्या थी? ओरिजिनल लैंग्वेज थी उसकी मगही। मगही को और क्या बोलते हैं? मगधी। ओरिजिनली ये मगधी लैंग्वेज में था या फिर मगही लैंग्वेज में था, और रिसेंटली इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ट्रांसलेट किसने किया है? तो इसको ट्रांसलेट किया है अबे के ने। किसने ट्रांसलेट किया है? अबे के ने। ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, किसने ट्रांसलेट किया है, कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ है, पब्लिश किसने किया था? पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। और लिखा किसने था? इसके राइटर कौन है? राइटर है जयनाथ पति। जयनाथ पति इसके राइटर है, और इन्होंने मगही में इसको, ये जो था ये ओरिजिनली मगही लैंग्वेज में इसको लिखा था। कब लिखा था? 1928 के अंदर। ओरिजिनल लैंग्वेज मगही थी, रिसेंटली इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, राइट। नेक्स्ट है, हु बिकेम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एवरेडी। एवरेडी क्या है? एवरेडी एक कंपनी है जो एवरेडी के जो सेल वगैरह आते हैं, हम घड़ियों में डालते हैं, जो वॉल क्लॉक वगैरह होते हैं, तो एवरेडी जो है उस कंपनी के रिसेंटली एक नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा,
राइट, नाम क्या है, नीरज चोपड़ा बने हैं एवरेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है बसीरो दियोमे फाई, बसीरो दियोमे फाई ये नए प्रेसिडेंट बने हैं कौन सी कंट्री के, बसीरो दियोमे फाई नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो कौन सी कंट्री के बने हैं ये नए प्रेसिडेंट, सेनेगल के नए प्रेसिडेंट बने हैं। सेनेगल कहाँ पे है, सेनेगल ये एक अफ्रीका की कंट्री है, ये रहा सेनेगल की लोकेशन, राइट। ये अफ्रीका की कंट्री है सेनेगल, और इसकी कैपिटल क्या है, सेनेगल की कैपिटल है डकार। कैपिटल क्या है सेनेगल की, डकार। नेक्स्ट है लुइस मॉन्टेनेग्रो बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, लुइस मॉन्टेनेग्रो ये कौन सी कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये बने हैं पोर्चुगल के नए प्राइम मिनिस्टर। पोर्चुगल की लोकेशन, पोर्चुगल यूरोपियन कंट्री है, ये रही पोर्चुगल की लोकेशन, राइट। तो पोर्चुगल के साथ ही यहाँ पे स्पेन आ जाता है। तो पोर्चुगल की कैपिटल क्या है, पोर्चुगल की कैपिटल का नाम है लिस्बन, पोर्चुगल की कैपिटल का नाम है लिस्बन, राइट। नेक्स्ट है स्वाइन फीवर वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय, स्वाइन फीवर की रिसेंटली वैक्सीन जो है वो डिस्कवर करी गई है। स्वाइन फीवर कौन सी बीमारी है, स्वाइन फीवर जो है ये सुअर में होती है, स्वाइन फीवर सुअर में होती है, ह्यूमंस को ये अफेक्ट नहीं करती। तो रिसेंटली इसकी एक वैक्सीन डिस्कवर करी गई है, किसने डिस्कवर करी है वैक्सीन, आईआईटी गुवाहाटी ने। अब आईआईटी गुवाहाटी ने इसकी वैक्सीन तो डिस्कवर करी है, बट इसको बनाएगी तो नहीं ना, बनाने के लिए तो किसी और कंपनी को टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी। तो इसकी जो प्रोडक्शन करी जाएगी इस वैक्सीन की, तो वो प्रोडक्शन करने के लिए इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो किसको ट्रांसफर करी गई है, बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी गई है बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड, नाम इम्पोर्टेंट है, राइट। अब कौन कौन से स्टेट्स में ज़्यादातर स्वाइन फ्लू के जो केसेस है, स्वाइन फीवर के जो केसेस है वो देखने को मिले हैं, तो स्वाइन फीवर के ज़्यादातर केसेस है पंजाब, हरियाणा, बिहार, गुजरात एंड केरला में, जो मोस्टली अफेक्टेड स्टेट्स हैं। तो कौन सी पांच स्टेट्स है, पंजाब, हरियाणा, बिहार, गुजरात एंड केरला, साउथ की एक स्टेट हो गई है, बाकी ये पंजाब, हरियाणा, बिहार, गुजरात ये नॉर्थ वाली साइड पे आ जाता है। हालांकि ये गुजरात बिहार नॉर्थ में नहीं आता, बट स्टिल आप एक तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है मदरसा एजुकेशन एक्ट वॉज स्ट्राइक डाउन बाय विच हाई कोर्ट, रिसेंटली कौन सी हाई कोर्ट ने मदरसा एजुकेशन एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। तो रिसेंटली अलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एजुकेशन एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। अब होता क्या है, वहाँ पे बहुत सारे मदरसा खुले हुए हैं, अब ये जो मदरसा है वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, लेकिन वहाँ पे जो एजुकेशन का जो मेन पर्पस होता है वो होता है रिलीजन, या यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में एजुकेशन दी जाती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बच्चों के जो बेसिक राइट्स है, राइट टू एजुकेशन हो गया, तो ये वायलेट हो रहे हैं। तो इसीलिए अलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एजुकेशन एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। उनका क्या बोलना है, उनका बोलना है कि जो मदरसा एजुकेशन एक्ट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 21, 21A को वायलेट कर रहे हैं। 14 में क्या है, राइट टू इक्वालिटी है, 15 में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन राइट्स आ गए हैं, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ये सब चीज़ें आ गई है। 21 राइट टू लाइफ, 21A राइट टू एजुकेशन, तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं बच्चों के। इसके साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 है उसका जो सेक्शन 22 है वो भी वायलेट हो रहा है, कि ऐसे ही हर कोई डिग्रियां नहीं बांट रहा। सेक्शन 22 का मतलब क्या है कि हर किसी को ये जो है अप्रूवल नहीं दिया जाता कि कोई भी इंस्टीट्यूट आ जाए और वो डिग्रियां देना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। तो एक अप्रूव्ड जो है वो एक अप्रूव्ड बॉडी होनी चाहिए जो आपको डिग्री दे रही है, हर कोई ऐसे फ्री में डिग्रियां नहीं बांट सकता। तो सेक्शन 22 वायलेट हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 14, 15, 21, 21A वायलेट हो रहे हैं, इसीलिए जो मदरसा एजुकेशन एक्ट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, राइट। नेक्स्ट है शिक्षा रिफॉर्म
लॉन्चेस बाय द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट. अब कौन से स्टेट में रिसेंटली शिक्षा रिफॉर्म जो है वो लॉन्च किए गए हैं? तो गुजरात स्टेट के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने शिक्षा रिफॉर्म्स लॉन्च करे हैं, जिसमें ये यहाँ पे बेसिकली सूरत की बात हो रही है. सूरत के अंदर इन्होंने बोला है कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन में नई टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, जो बच्चे हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाएगा, जो साइबर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें बच्चों को यहाँ पे बताई जाएगी. बेसिकली एजुकेशन में रिफॉर्म लाए जाएंगे, एजुकेशन में नई टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, राइट. नेक्स्ट, विच इज़ द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड. रिसेंटली एक सर्वे हुआ है. ये सर्वे किसने करवाया था, ये जो रिपोर्ट आई है वो किसने बनाई थी, रिपोर्ट है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की. रिपोर्ट है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 की रिपोर्ट है. उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है वो कौन सा है, तो दैट इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. इंडिया का जो LIC है वो बन गया है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड, राइट. सेकेंड नंबर पे आता है कैथे लाइफ इंश्योरेंस और थर्ड पे आता है NRMA इंश्योरेंस, राइट. नेक्स्ट एक और न्यूज है बाल्टीमोरे ब्रिज के बारे में. बाल्टीमोरे ब्रिज रिसेंटली क्लैप्स हो गया है, एक शिप जो था वो क्रैश हो गया, जिसके चलते हुए ये जो बाल्टीमोरे ब्रिज है पूरा का पूरा ये क्रैश हो गया. अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है कि ये ब्रिज कहाँ पे है, इसको किस नाम से जाना जाता है, कब शुरू हुआ था, तो ये सब चीज़ें इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए. बाल्टीमोरे ब्रिज ये US के अंदर है. अब इसको और क्या बोला जाता है, अब ये जो बाल्टीमोरे ब्रिज है इसका जो कॉमनली नेम है वो है की ब्रिज. कॉमन नेम इसका क्या है, की ब्रिज, या फिर फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज भी इसको बोला जाता है. और ये कब शुरू हुआ था, ये ओपन हुआ था 1977 के अंदर, राइट. कितनी लेंथ कितनी है, 1.6 माइल्स की इसकी लेंथ थी, 2.6 किलोमीटर या आप बोल सकते हो. और ये कौन सी रिवर पे था, पतास्को रिवर एंड बाल्टीमोरे हार्बर पे था, राइट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बाल्टीमोरे ब्रिज के बारे में जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि की ब्रिज के बारे में पूछ सकते हैं कि की ब्रिज कब ओपन हुआ था, की ब्रिज की लेंथ कितनी है, कौन सी रिवर पे है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.